उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे इगलास से निकलकर राहुल उपाध्याय ने न केवल अपने जिले अलीगढ़ का नाम रोशन किया है, बल्कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में विज्ञान विषय में प्रदेश में पांचवा स्थान प्राप्त कर सबको चौंका दिया है। राहुल के पिता हरपाल उपाध्याय एक छोटे प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि और सीमित संसाधनों के बावजूद राहुल के परिवार ने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। राहुल ने अपनी पढ़ाई के लिए अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपना मूल मंत्र बनाया। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की पढ़ाई के बदौलत उन्होंने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक हासिल किए। राहुल की उपलब्धियों ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को गर्व महसूस कराया है। वे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षक को देते हैं, जिन्होंने उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित किया। यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के साइंस टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं में उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के इगलास से राहुल उपाध्याय ने प्रदेश में 5वें नंबर की रैंक हासिल कर जिला टॉप किया है। राहुल उपाध्याय अलीगढ़ के तहसील इगलास के विष्णुदत्त शर्मा इंटर कॉलेज के छात्र हैं। राहुल उपाध्याय के पिता हरपाल उपाध्याय प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट टीचर हैं। राहुल उपाध्याय ने 97% अंक हासिल कर प्रदेश में 5वां नंबर व जिले में टॉप किया है। राहुल के परिवार में खुशी का माहौल है। मिठाई के साथ साथ बधाई देने का तांता लोगों द्वारा लगा हुआ है। राहुल की इस कामयाबी के पीछे राहुल ने अपने माता पिता के अलावा अपने गुरुजनों को इसका पूरा श्रेय दिया है। राहुल का सपना है कि आगे जाकर वे आईआईटी की तैयारी करें और एक इंजीनियर बने। भगवान ने चाहा तो उनका यह सपना जरूर पूरा होगा, ऐसा आशीर्वाद उनके गुरुजन व उनके पिता ने दिया। बहरहाल राहुल की इस कामयाबी से परिवार व उनके मिलने वालों में काफी खुशी का माहौल है। मैंने इसी साल क्लास 12th के पेपर दिए थे। मेरी 500 में से 485 नंबर आए हैं, जो 97% बनती है। मेरा जिले में पहला नंबर और प्रदेश में 5वां नंबर आया है। इसका मैं सारा श्रेय अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को, जो मेरे स्कूल में पढ़ाते थे, उनको देता हूँ। अब राहुल का लक्ष्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना और आईआईटी में दाखिला लेना है। उनकी इस यात्रा से उनके साथी छात्र और पूरा क्षेत्र प्रेरित हो रहा है। मैं अब आईआईटी की तैयारी करूंगा, जिससे मैं 4 साल तैयारी करके एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। कितने परसेंटेज आए यूपी में भी आपका स्थान आया, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी और अपने गुरुजनों से मिली। हमारे स्कूल में पिछले साल भी एक लड़की ने टॉप किया था और उसको देख कर भी थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली कि अब कि हम भी टॉप करना चाहेंगे, तो उसके देखते देखते हमने भी मतलब प्रयास किया। राहुल के पिता कहते हैं, मेरा बेटा हमेशा से पढ़ाई में गंभीर रहा, उसने कभी भी हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ा और वो हमेशा हमारे लिए गर्व का विषय बना रहा। उसकी मेहनत और त्याग ने आज उसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। वहीं उसकी माँ बताती है, राहुल ने हमेशा अपने आप को पढ़ाई में छोड़ दिया। हमें खुशी है कि उसकी मेहनत रंग लाई। तो पढ़ाते रहे, ऐसे ही पढ़ाते रहे, बच्चों को मोटिवेट करते रहे और बच्चों को आगे तक बढ़ाते रहे। राहुल उपाध्याय मेरा छोटा बेटा है और उसके 12वीं क्लास में 97% नंबर आए। बच्चा बहुत मेहनत करता था, मैं तो कभी जगा तो मैंने उसे पढ़ता हुआ देखा, पता नहीं कितना सोता कितना पढ़ता था बेचारा। भैया ने मेरे घर टीवी है, न उसे फ़ोन देख रहा कोई शौक है। अब जब उसका रिजल्ट आ गया तो ये तो आप भी जानते हो, खुशी तो परिवार में हो ही रही है। बढ़िया खुशी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे के लिए ये देखता हूँ कि ये आईआईटी की तैयारी कह रहा है तो इसे आईआईटी तैयारी कराऊँगा और भगवान के ऊपर क्या होगा आगे। स्कूल वालों ने मेहनत कराई है, स्कूल में जो अध्यापक हैं बहुत मेहनती हैं सभी अध्यापक। राहुल उपाध्याय की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपनी कमियों को पीछा छोड़ सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कठिनाइयों और चुनौती के बावजूद अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। लोकल 18 अलीगढ़ से वसीम अहमद की रिपोर्ट।